वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमारा जो वक्त हो चुका है एस्ट्रोलॉजी सेगमेंट का, लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि हमारा पोल का सवाल है। आपको पता ही चल चुका होगा, मैंने अभी आपको पोल का सवाल बताया था कि क्या आप एनर्जी ड्रिंक का पीना सही समझते हैं, हाँ या नहीं, या आप पीते हैं, आप हमें बता सकते हैं। और आपको पता है हमारे जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो सबसे पहले आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं, विच इज़ healthymorning@health-tv.tv। और हमारा जो फेसबुक पे पेज है, विच इज़ हमारा जो 24 आवर का कम्युनिकेशन का जरिया है, विच इज़ www.facebook.com/healthtv.tv। यहाँ पे भी आकर आप हमें बता सकते हैं। डेफिनेटली सबसे पहले आपको हमारा पेज लाइक करना पड़ेगा, फिर आप हमारी वॉल पे लिख सकेंगे। और क्योंकि अब वक्त हो चुका है एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट का, तो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट चलते हैं एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट की तरफ। जी व्यूअर्स, हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट और हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत सत्यन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कितनी भी सर्दी हो सर, हमेशा मुझे फ्रेश लगते हैं बिल्कुल। अच्छा, लोग होते हैं जितनी सर्दी होती है वो डल होना शुरू हो जाते हैं, उनकी आंखें मोटी मोटी होती हैं, उन्हें नींद आ रही होती है, लेकिन जब भी मैं सर को देखती हूँ इज लाइक ऑलवेज वेरी चार्मिंग एंड स्माइलिंग। और थोड़े से सर के बड़े वो चाइनीज फीचर्स हैं तो वो और भी ज़्यादा क्यूट लगते हैं। अच्छा सर जी, सबसे पहले हम सर से पूछते हैं, पता नहीं एनर्जी ड्रिंक पीते हैं कि नहीं। सर, हमारा पोल का सवाल है कि क्या आप एनर्जी ड्रिंक का पीना सही समझते हैं? मैं बिल्कुल गलत समझता हूँ। आप खुद पीते हैं? नहीं, मैं नहीं पीता। नहीं पीते? क्योंकि कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ जो है वो आपकी बॉडी के लिए नुकसान। बिल्कुल। क्योंकि कोई बॉडी जो है केमिकल को एक्सेप्ट नहीं करती हमारी बॉडी, इसलिए आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें केमिकल मौजूद होगा वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें वो आपको खुश तो कर रही होती है, लेकिन बॉडी में आपकी बहुत सारे विटामिन, बहुत सारी चीज़ों को डैमेज कर रही है, यानी कम कर रही होती है। बिल्कुल, इसलिए जो नेचुरल फूड है, जो अल्लाह ने सब्जियां हैं, वेजिटेबल है, ये आप लें, ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली सर, उसमें ब्रेन स्टिमुलेंट्स होते हैं, मैंने मतलब इन सेंस कि अगर आपको नींद आ रही है, आपको पढ़ाई करनी है, या आपको जागे रहना है, या फिर मल्टीपल चीज़ें होती हैं, हम चाहते हैं हमारा ब्रेन एक्टिव रहे, तो वो ब्रेन एक्टिव करने के लिए लोग जो हैं वो एनर्जी ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, नोइंग दिस के अंदर टॉरिन होता है, वो किस तरह ब्रेन जाके डैमेज कर रहा है इन लॉन्ग रन। तो लेकिन बहुत बहुत रुझान है, और यंगस्टर्स तो मतलब शायद पानी से ज्यादा एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं सर। तो नुकसान दे है ना, तभी तो आप हमारे नौजवानों को देखें। आपके घर में आपके बच्चे, घर में कोई छोटा, ये लोग कोई ना, हम कोई ड्रिंक किसी किस्म के भी नहीं लेते। वेरी गुड जी, वेरी गुड। इतनी अच्छी बात पे हम लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? आते बात करूं जी, इस्लामाबाद से। जी आदिल साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। इस्लामाबाद में कितनी सर्दी है? रात को तो काफी हो जाती है, तो दिन में ठीक है। मतलब कुछ टेम्परेचर वाइज बताएंगे? मेरा ख्याल है कि ये माइनस पे आ जाएगा, जीरो पे। रात में? जी रात को इतनी सर्दी। ओके चले जी, आप हमारे तरह उसका अभी सर्दी से फाइट बैक करने के लिए भी लोग एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। अच्छा बताइए, आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं? बहुत कम, बहुत कम। क्यों पीते हैं? बहुत कम, कोई बर्गर शर्गर खाना हो तो उसके साथ लेते। बर्गर के साथ कौन लेते हैं एनर्जी ड्रिंक? चले अर्जुन जी, क्या पूछना चाहेंगे? सिस्टर के बारे में पूछना चाहूंगा। सिस्टर के बारे में? एक तो बर्गर खाते हैं, फास्ट फूड, और ऊपर से एनर्जी ड्रिंक, वेरी बैड कॉम्बिनेशन। हाँ जी, सिस्टर के डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी नाम बताइए। सिस्टर का नाम? सबा नाम है। सबा नाम है जी। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी 1992। 9 जनवरी 1992। टाइम बताइएगा। टाइम एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 10 से 12 के दरमियान होगा जी। सुबह? जी सुबह। कहाँ पैदा हुई? ये फैसलाबाद में। फैसलाबाद में? क्या पूछेंगे बहन के बारे में? इनके शादी के बारे में पूछना था कि शादी कब होगी, अपनों में, गैरों में, मुल्क में होगी या बाहर होगी, वो कहानी तफसील से अगर बता दें। ठीक है जी, हम आपको बता रहे हैं। जी बिल्कुल बता। हाँ जी सर। जी भाई, इस जायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगन है वो दल्लू है, एक्वेरियस, जिसका सितारा जोहल है, और मून साइन भी इनका दल्लू है, एक्वेरियस है, इसका भी सितारा जोहल है। बात यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि इनकी शादी अपने लोगों में होगी, यानी कज़न में, चचा ताया वगैरह, यानी कज़न मैरिज है इनकी, फर्स्ट कज़न मैरिज। जी जी, और ये शादी इनकी काफ़ी कामयाब रहेगी, माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है कि ये मुल्क से बाहर भी जाएंगी। नहीं, क्या वहाँ सेटल हो जाएंगी? बाहर के लड़के से तो नहीं है ना? वगैरह के भी इम्कान है इनके जायचे के अंदर। और दूसरी बात यह है कि इनकी जो मैरिज है वो बहुत अच्छी है, इनका शौहर बहुत खूबसूरत आदमी है, और बहुत मजहबी, बहुत यानी लुक आफ्टर करने वाले जो लोग होते हैं,
इस किस्म का इंसान होगा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। सर ऐसे लोग आजकल कहाँ कम हो गए हैं। बस हैं तो सही, तभी तो दुनिया चल रही है। आपकी बहन माशाल्लाह बहुत लकी है। बिल्कुल माशाल्लाह। और अगर ये कोई स्टोन पहनना चाहते हैं, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है इनको, अगर कोई शौक से कोई पहनना चाहते हैं तो ये मतलब मरजान पहन सकती हैं सुर्ख रंग का, वो इनके लिए बेहतर। ठीक है जी, हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्थ मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं नादिया बात कर रही हूँ। नादिया कहाँ से? कराची से। कराची से नादिया, हमारे पोल का जवाब दीजिए, आप एनर्जी ड्रिंक पीती है? नहीं, मैं बहुत कम पीती हूँ। बहुत कम मतलब कब कब पीती है? कभी कभार कोई किसी पार्टी में जाए तो थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। बस घर दावत जाऊँ तब मजबूरन। कभी खरीद के नहीं पी? नहीं। हाय, चलो एक तो अच्छा साइन है। चले जी, थैंक गॉड। अच्छा क्या पूछेंगी नादिया? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना। बेटे का नाम? मुनीब इलियास। मुनीब इलियास। बेटे की डेट ऑफ बर्थ? 4 सितंबर। 4 सितंबर 2002 जी। छोटे से। अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि टाइम क्या था? टाइम ये रात के टाइम पैदा हुए, कंफर्म नहीं है, रात का था। रात तो बहुत लंबी है, कुछ अंदाजा तो बताइए ना। 12 बजे के बाद का ही है रात का। 12 बजे से फजर के बीच में देख लें। 12 बजे पे डेट भी चेंज हो जाती है? हाँ, 12 बजे से डेट भी चेंज हो जाती है। नहीं, ये 4 का ही लिखा हुआ है कि 4 तारीख। वो 12 बजे के बाद ही होगा, 4 बजे जो होगा ना। अच्छा जी ठीक है, कहाँ पैदा हुए? ये शेखुपुरा में। शेखुपुरा में, ठीक है जी। क्या पूछेंगे बेटे के बारे में? मैं इसका फ्यूचर जानना चाहती हूँ। फ्यूचर में क्या? स्टडी वगैरह, इसका अंडर लाइफ कैसी गुजरी? स्टडीज इन करियर, दैट इज। हां जी, चलिए जी, हम आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हां जी जी बीबी, जायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगन है वो एक्वेरियस है, सॉरी ये भी एक्वेरियस है। अच्छा, सौर जिसका सितारा जोरा, और मून साइन इनका कैंसर है सरतान, इसका सितारा कमर है। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह आपका बच्चा जो है ये बहुत जीनियस है, यानी 4 सितारे इसके जायचे में शरफ के हैं और 2 सितारे इसके जायचे में अपनी राशि के हैं। तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। ऐसा आदमी अगर किसी मुल्क का राजा ना भी हो तब भी अपनी ज़िंदगी राजों की तरह बसर करता है। बहुत रोशन मुस्तकबिल है माशाल्लाह इस बच्चे का, और बहुत बड़ा आदमी बनेगा ये। इस वक्त भी इनको सितारे जोहल का दौर चल रहा है जो कि बहुत अच्छा है, फिर अतारद लगेगा बहुत अच्छा, यानी इसका थ्रू आउट इसकी लाइफ में अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। इसके लिए आप बिल्कुल, इनका शोभा मेडिकल भी हो सकता है, कॉमर्स में भी ये पढ़ सकते हैं, 2 ही शोबे हैं इनके, लेकिन मेडिकल ज़्यादा बेहतर है इनके लिए, और ये मेडिकल में प्रोफेसर भी बन सकते हैं। वाओ, माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है इनका जायचा। जीनियस हाँ, माशाल्लाह अच्छे जायचे आ रहे हैं। हाँ, ये तो मैं देख रही हूँ, सुबह से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही है, अल्लाह करे बस ऐसा ही रहे। अच्छा सर, हमारे पास एक और कॉल है, अल्लाह करे ये भी अच्छा अच्छा, दुआ करते हैं दशा अच्छी चल रही होगी। जी दशा भी अच्छी है। दशा भी अच्छी चल रही है। मैं भी 2-3 बातें पूछ लेती हूँ ब्रेक में, आप लोग अभी हमारे कॉल अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मैं सादिया बात कर रही हूँ, कामरा से। कामरा? जी, कामरा, जी, कामरा जी, से ठीक है जी। हमारे पोल का जवाब दीजिए सादिया। अच्छा जी, मेरा बेटा तो बहुत शौकीन है, हालांकि छोटा सा है लेकिन वो एनर्जी ड्रिंक का बहुत शौकीन है, मैं इतना मना करती हूँ। आप लेके दे देती है क्या एनर्जी ड्रिंक उनको? कितने छोटे हैं वो? वो 10 साल का है। 10 साल का बच्चा तो आप पे डिपेंडेंट है ना, खुद तो नहीं जाके ले सकता? नहीं, वो बस नजदीक मार्केट है ना, वो शौकीन है। तो पैसे कौन देता है? नहीं देता है, बंद कर दें उसे कि बेटे से अच्छा जाके चॉकलेट खाओ, दांत में कीड़ा लगाओ, लेकिन वो नहीं लो। हाँ जी। अच्छा, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था। हाँ जी, बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी छोटी बेटी है, उनकी है 3rd November 2009। 3rd November 2009, क्या नाम है इनका? आयशा, आयशा उनका नाम है, और पेशावर में पैदा हुई है। टाइम? और 11 से 12 बजे के दरमियान दिन में ना, 11 AM to 12 PM। ठीक है जी, क्या पूछेंगे क्या? अच्छा, ये बच्ची जो है ना, बस बहुत तंग करती है, रोती है, जिद्दी है, चिड़चिड़ी है, तो मैंने कहा इसका फ्यूचर जरा मालूम कर लूँ, आगे फिर कब तक इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी, और सबसे पहले रेमेडी इसकी जरूर कुछ बताए ना कि बच्चे तो ऐसे होते हैं। चलिए जी, हम बात करते हैं। दूसरे भाइयों को बहनों को तंग करती है, खेलती है, उनको पढ़ने नहीं देती है, रौनक लगा के रखती है।
थैंक यू सो मच। चलिए जी, हम आपको बता रहे हैं जी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी जी बीबी, इसके जायचे के मुताबिक इसका जो ताले लगन है वो सेजिटेरियस है, कौस जिसका सितारा मुश्तरी, और मून साइन भी सेजिटेरियस है, उसका भी सितारा मुश्तरी है। बात यह है कि जायचा तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह इनका, ये भी कॉमर्स पढ़ेंगी, एमबीए कर सकती हैं, बल्कि सीए भी कर सकते हैं, बहुत टैलेंटेड, बहुत जीनियस है बच्ची आपकी है। लेकिन इसको जो दशा यानी जो अद्वार लगा हुआ है वो सितारे जोरा का है, जो जायचे में बारहवें घर में, तो जब बारहवें घर में जोरा होता है तो वो किसी न किसी तरह की कोई प्रॉब्लम पैदा करता है, यानी सेहत के हवाले से, जहनी तौर पर कोई एक्स्ट्रा कुछ उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ पैदा हो जाए, मतलब समथिंग कुछ प्रॉब्लम ये पैदा करता है। और जोरा का इनको दौर है 2015 तक, इस दौरान आप इसकी रेमेडी करें, इनको एक तो ओपल पहनाएं सफ़ेद रंग का, फर्स्ट फिंगर में पहने या लॉकेट की शक्ल में या इनके तकिए में बना के रख दें, किसी भी शक्ल में इनके साथ रहना चाहिए वो। और दूसरा सफ़ेद चीज़ों का सदका करें इनके लिए, जो इन पे से 7 दफ़ा घुमा के आप किसी को दान करें, और ये जुम्मे के दिन आपको करना, जिसमें आटा चावल चीनी घी वगैरह ये सारी चीज़ें लेकर। और दूसरा, या काफ़ी हो या गनी हो, इसका विर्द करें, और वो इनको जो है भूख मार के इसका पानी भी आप पिला सकती हैं। तो इंशाल्लाह जब ये जोरा ख़त्म होगा, इनको सूरज लगेगा, बहुत ताकतवर है, मून बहुत, यानी बहुत अच्छी पोजीशन है 2015 के बाद। ओके ठीक है जी, आपने देख लिया। अब हमारे पास एक और कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? रजिया लाहौर से। जी रजिया, आप बताइए, आप एनर्जी ड्रिंक्स पीती हैं? मैं पसंद तो करती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ ना पीऊं। कोशिश, ये कोशिश कितनी कामयाब होती है आपकी? 50-50। चलिए, एटलीस्ट शी इज़ ऑनेस्ट। अच्छा चलिए जी रजिया, क्या पूछना चाहेंगी? ये मैं पूछना चाह रही हूँ अपने बारे में। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1972। कहाँ पैदा हुई? ये मैं लाहौर में पैदा हुई। लाहौर में ही हुई थी। चलिए, कितने बजे? टाइम क्या था? ये टाइम आफ्टरनून था, कुछ 4-5 बजे। 12 PM से लेके आफ्टरनून कब तक जाता है? 3-4 बजे तक। पूछेंगी क्या रजिया? ये मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरा ना कोई काम होता नहीं है। अच्छा, डिले क्या होते हैं? होते ही नहीं है। जॉब करती हूँ तो वो सब बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। आपका जो ताले लगन है वो स्कॉर्पियो अक्रब जिसका सितारा मरीख है, और मून साइन जोजा जेमिनी इसका सितारा तारद है। बात यह कि आपको एक नए सितारे जोहल का दौर है, जो कि आपको तकरीबन 2014 फरवरी में ख़त्म होगा, यानी 14 से 19 साल पीछे जाएं तो ये आपको पीरियड लगा हुआ था यहाँ से। तो ये जब भी पीरियड लगता है, जो एसेंडेंट को देखता हो यानी आपके लगन को देखता हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा करता है, माशी तौर पे प्रॉब्लम पैदा करता है, जहनी तौर पे दबाव देता है, और दूसरी ख़ास बात ये कि शख्सियत को मजरू करता है, इंसान की जो पर्सनैलिटी होती उसको कमज़ोर कर रहा होता है। तो ये वैसे तो 2014 में ख़त्म हो जाएगा, फिर मरकरी लगेगा आपको, जो कि बहुत ताकतवर है, इसमें आपके इनामी बॉन्ड भी लग सकते हैं, लोगों में इज़्ज़त रिस्पेक्ट भी बढ़ सकती, फिर इंशाल्लाह ये अच्छा पीरियड है कि जो आप सोचेंगी वो होगा। अभी 2014 तक जो सैटर्न है इसके लिए आप नीलम पहने 5 की रात के अंदर, और रिंग फिंगर मिडल फिंगर में आपको इसको पहनना, और दूसरा काली चीज़ों का सदका करें। अगर हो सके तो आयते करीमा पढ़ें 313 मरतबा ईशा की नमाज के बाद बैठ के, ये इस नहुसत के लिए ये विर्द बहुत अच्छा होता है, इंशाल्लाह इससे आपके मामला काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आपको मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ जो आपने बुरा वक्त था वो तकरीबन अभी खत्म ही हो रहा है। हाँ, 1-1.5 साल है, इंशाल्लाह ताला खत्म होगा तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे। अच्छा, जब खत्म होने लगता है तो इसके असरात शुरू हो जाते हैं? जी, जो बेहतरी होता है ना, टेपरिंग होती है ना इनकी। जब सूरज निकलता है तो हल्की हल्की रोशनी तो आनी शुरू हो जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। तो जी, सूरज निकलने वाले, हल्की हल्की रोशनी शुरू हो चुकी है जी, डोंट वरी, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। मेरे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड अर्ली मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं सुमन बोल रही हूँ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। सुमन कहाँ से? रावलपिंडी। कॉल की थी। हाँ, कल भी कॉल की थी। अच्छा सुमन, मुझे बताया एनर्जी ड्रिंक पीती हैं? हाँ, बस घर में जैसा बनता है लीमू पानी, जरा इस तरह का पाई कर। लीमू पानी तो कोई वो नहीं, एनर्जी ड्रिंक की तरह नहीं होता। हाँ,
आप इतनी गर्मी में जब पियेंगे तो वो पीते हैं तो आपको एनर्जी आती है ना कि नहीं आती? रिफ्रेशिंग होता है हम जब भी पानी में लीमू डाल के पीते हैं तो वो रिफ्रेशिंग होता है हमारे लिए। मैं एनर्जी ड्रिंक्स बाकायदा मैं नाम नहीं ले सकती उनकी बात कर रही हूँ। नहीं, वाले नहीं पीती। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी क्या पूछना चाहेंगे? मैंने कल भी कॉल की थी, 1st अप्रैल पूरा बताएगा सुबह 8 बजे। फर्स्ट अप्रैल सुबह 8 बजे पूरी बताएगा।